नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पन्ना विधानसभा के विधायक और मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह पन्ना पहुंचे। सिमरिया से अमानगंज होते हुए लगभग 6 बजे पन्ना पहुंचे, जहां पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। जगह जगह मंत्री का तुलादान और पुष्पमाला पहनाकर और फूलों की वर्षा का स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं और समर्थकों के द्वारा जगह जगह आतिशबाजी भी की गई। इस मौके पर मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह आशीर्वाद लेने पूर्व कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुश्री कुसुम सिंह महदेले के निवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व मंत्री सुश्री कुसुम सिंह महदेले के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कितनी खुशी है और क्या जिले के लिए प्राथमिकता है? मैं ये मानता हूँ कि आज मैं अकेला यहाँ के लिए मंत्री नहीं हूँ, यहाँ पूरे क्षेत्र की जनता हमारी मंत्री है। और यहाँ के विकास के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ विकास किए हैं और विकास के लाने में के लिए मैंने अपनी पहचान बनाई है, तो जो भी यहाँ के विकास के कार्य हैं जिले के अंदर, वो मैं पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से जितना भी मुझे बनेगा उनसे यहाँ के काम मैं करवाऊँगा और खुद करने का प्रयास करूँगा। भाई, अमानगंज रोड 3 साल से नहीं पड़ी है, अब सरकार बदल गई है, बहुत जल्दी बनेगी। पन्ना के लिए तो अत्यंत खुशी की बात है कि 1.5 साल के बाद में 2.25 साल में फिर से मंत्री पद मिल गया, और हमें आशा है कि पुनः पन्ना से मंत्री बन गए हैं बृजेंद्र प्रताप सिंह, तो पन्ना के विकास में 4 चांद लगेंगे और अच्छा विकास होगा, अच्छा काम करेंगे। क्या कमियां रह गई थी जो अभी तक?